जेसीआई इंडिया की दुर्ग भलाई इकाई ने दुर्ग प्रेस क्लब के पत्रकारों के लिए प्रभावी संवाद कला का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जहां जेसी अनिल बल्लेवारकर ने अपने स्पीच के माध्यम से पत्रकारों में आत्मविश्वास भरने का प्रयास किया। जेसीआई भिलाई दुर्ग के द्वारा विगत 10 वर्षों से विभिन्न कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते ही जेसीआई का नाम इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड नामक संस्था में सर्वाधिक ऑनलाइन कार्यशाला का विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है, जिसमें जेसीआई दुर्ग भिलाई का नाम हौसलों की उड़ान के नाम से दर्ज है। इसी कड़ी में जेसीआई दुर्ग भिलाई ने दुर्ग प्रेस क्लब के सदस्यों के लिए संवाद कला प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जहाँ मोटिवेशनल जेसी अनिल बोरकर पत्रकारों के अंदर आत्मविश्वास भरने का प्रयास किया। जेसी सप्ताह 2022 परिंदे के संचालक जेसी सुरेंद्र खेतान ने बताया कि हौसलों की उड़ान को 2012 से लगातार आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं जेसीआई दुर्ग भिलाई के बैनर तले मेरी कलम मेरी आवाज़ हौसलों की उड़ान 2022 के आयोजन में दुर्ग के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंच से अपने अनुभव को साझा किया। इस अवसर पर न्यूज़ टीम को जेसीआई अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, जेसी सुरेंद्र खेतान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जेसीआई दुर्ग भिलाई बेसिकली जो है हमारे आयोजन साल भर चलते हैं, पर इसमें सितंबर में जैसे 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर जेसी वीक बनाया जाता है, जिसमें हम समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। इसमें 9 तारीख को हमारा जो पहला कार्यक्रम था मणिकर्णिका एम्पावरमेंट वुमेन, उसमें हमारे द्वारा समाज की सेवा करने वाली 5 विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं का सम्मान किया और उनसे हमें। इसके बाद जो हमारा दूसरा कार्यक्रम था वो 11 सितंबर मैराथन का कार्यक्रम रखा गया था श्रीनाथ नदी के तट पर, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि हमारे शहर की माता है जो बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका उद्देश्य किया। इस कार्यक्रम में 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे हमारे शहर के महापौर श्री धीरज बागरीवाल जी और इस कार्यक्रम का कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट आकर्षी कश्यप जी। और इसके बाद आज हमारा 12 सितंबर को जो कार्यक्रम रखा गया है हौसलों की उड़ान पत्रकार भाइयों भाई बहनों के लिए, इसमें जो पत्रकार भाई बहन पूरे देश की देश को आईना दिखाते हैं, देश को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनके लिए एक कोशिश की गई थी कि उनके साथ मिलकर कैसे हम उनकी प्रभावशीलता उनकी कार्यशैली को और कैसे बढ़ा सकें, इसके ऊपर एक कार्यशाला रखी है, जिसमें हमारे नेशनल ट्रेनर नितेश केरिया जी और प्रणय महेश्वरी जी इस कार्यक्रम के लिए ट्रेनिंग नाम से हो रहा है 14 सितंबर को। ये एक बहु युवा बांधव बहुसम्मिलित है, जिसका हम हर साल प्रोग्राम वहाँ पर करते हैं, जो छात्रों को एजुकेशन के लिए या वहाँ पर जो स्कूल में जो भी कार्यरत है उसका हम उपयोग करते हैं, जो हमसे हो पाता है हमारे जेसीआई क्लब में। और 18 तारीख को चौहान इंपीरियल हम जेसीआई कार्निवल लेके आ रहे हैं, जिसमें पूरी स्टॉल आपके गेम जो और अन्य प्रकार के सभी स्टॉल में हैं, तो आप लोग के सभी इन्जॉयमेंट के लिए वहाँ पे सब प्रोग्राम रखे हुए, तो आप लोग आइए सब जरूर। जैसे कृष्णा कुछ हर साल हम एक कार्यक्रम लेके आते हैं और इस साल हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया था मणिकर्णिका के रूप में। इसमें हमने 5 अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी महिलाओं का चयन किया जो सिर्फ सेवा भाव से समाज के लिए वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए कार्य करते हैं, बिना किसी वेतन के या बिना किसी अपनी किसी ज़रूरतों से। उसमें प्राइड स्कूल के बच्चों को कोई महिला देख रही है, कोई वृद्धाश्रम में खुद खाना बनाकर उनको अपनी सेवा दे रही है, तो ऐसी 5 महिलाओं को हमने यहाँ बुलाया और उनका सम्मान किया। इसमें हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में थी डॉक्टर सरिता चोपड़ा जी, ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।